लिखिए, चैप्टर का नाम लिखिए, अकाउंट करंट, अकाउंट करंट। आपने आज तक अकाउंट करंट नहीं सुना होगा, करंट अकाउंट सुना होगा, है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट करंट एक्चुअली? बहुत ध्यान सुनिए मेरी बात। ट्वेंटी ट्वेंटी एक ऐसा साल निकला जो बहुत ही एक्सेप्शनल ईयर था। पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो सब इफेक्ट हुई होंगी। बेटा ऐसी कंडीशन में आप किसी जगह पर काम तो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रहा हूँ। पहले मेरी मंथली सैलरी हुआ करती थी सपोज 1 लाख रुपीज, कितना होती थी 1 लाख। अभी भी सैलरी सपोज 1 लाख ही होनी चाहिए थी, लेकिन 2020 में तो क्या आ गया, कोरोना आया, इससे सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो एम्प्लॉयर ने मुझसे ये कहा कि यार देखो, अब हम लोग ये तय नहीं कर पाएंगे कि हमको, हमारे खुद को ही नहीं लग रहा है कि हमारा आगे वाला बिजनेस कैसा सस्टेन करेगा, कैसा सस्टेन नहीं करेगा। तो अभी हम कुछ ये नहीं तय कर पाएंगे कि हम आपको कितने रुपए की मंथली सैलरी दे पाएंगे। 3-4 महीने का ये समय निकल जान दो, फिर देखेंगे क्लैरिटी कैसी रही। अगर क्लैरिटी सही रहेगी तो आपकी वही सैलरी वापस लेकर आ जाएंगे, और क्लैरिटी नहीं हुई सही तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? मतलब पहले तो क्या थी, सर्टेनिटी, अब अचानक से क्या आ गई, अनसर्टेनिटी। अंडरस्टूड? ओके। मैंने कहा सर लेकिन मैं अगर आपको यहाँ सर्विसेज दूंगा तो मेरी कुछ अमाउंट तो मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो बोले हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। तो एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने हमें कितने रुपए की सर्विसेज दी है। तुमने हमें पैसे कम सर्विस की दिए होंगे तो भी हम तुम्हें 30,000 पर मंथ का पैसा दे देंगे, और तुमने हमें अगर सर्विस ज़्यादा की दी होगी तो भी हम तुम्हें हर महीना कितना पैसा देंगे, 30,000। कुछ समझे मैंने क्या कहा? यानी कि सेटलमेंट नहीं हो रहा है हिसाब का। एक तो मैं आपको काम करके दूँ 50,000 रुपये का, और आप मुझे मेरे कितने पैसे दे दें, 50,000। तो मेरे और आपके बीच में हिसाब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या इसने सर्विस कितने की दी, 50,000 की, और मैंने इसको पैसा कितना दे दिया, 50,000। मेरी बुक्स में आपका और आपकी बुक्स में मेरा अकाउंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको इस अप्रैल महीने में सर्विस तो देता हूँ 55,000 रुपये की, और आप मुझे पैसा देते हो केवल 30,000। अगले महीने मई में मैं आपको सर्विस देता हूँ 60,000 की, आप मुझे मेरा पेमेंट देते हो कितना रुपीस, 30,000। जून महीने मैंने आपको सर्विस दी 15,000 रुपये की, लेकिन आपने मुझे मेरा पैसा कितना दिया, वही 30,000। यानी कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो किसी और वैल्यू का हो रहा है, और आपस में जो पेमेंट्स और रिसीव हो रहे हैं वो किसी और अमाउंट के हो रहे हैं। अब 1 अप्रैल निकल जाने के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने निकल जाने के बाद मैंने और मैंने एम्प्लॉयर ने ये चर्चा करी कि सर आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, आगे से क्या करें? तो बोले सर आगे से आपकी वही सैलरी कितनी कर देते हैं, 1 लाख पर मंथ। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले एक बार हमें अप्रैल मंथ से लेकर 30th सितंबर तक का मैंने आपको कितनी सर्विस दी और आपने मुझे कितना पैसा दिया, उसका एक बार सेटलमेंट कर लें कि नहीं कर लें? टेल मी यस ऑर नो। बात तो सही है। मैंने कहा कैलकुलेटर काम लीजिए फटाफट। मैंने कहा अप्रैल में मैंने आपको 60,000 की सर्विस दी थी, 60,000 रुपये। मई में 45,000, जून 55,000, जुलाई 42,000 रुपीज, अगस्त 15,000 रुपी, सेप्टेम्बर 28,000 रुपी। कितना है टोटल? कितना? 2,45,000। अंडरस्टूड ना? और एम्प्लॉयर ने मुझे हर महीना कितना दिया था, 30,000। 30 × 6 करा तो 1,80,000, माइनस 1,80,000 कितना आया? मुझे 30th सितंबर को मेरे एम्प्लॉयर से 60,000 रुपये का लमसम पेमेंट अगर मिल जाएगा, मेरे और उसके बीच में जो पास्ट के एडजस्टमेंट्स थे वो सेटल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अंडरस्टूड ना? बट आपने एक बात नोटिस की, मैंने अप्रैल मंथ में सर्विस इन्हें कितने रुपए की दी थी, उसे 50,000 रुपये, लेकिन इन्होंने मुझे पैसा कितना ही दिया, 30,000।
मैंने इनको मई मंथ में सर्विस कितने रुपए की दी? 45। लेकिन इन्होंने मुझे पैसा कितना दिया? 30। जैसे ही जून महीना आया तो जून महीने में मैंने इनको सर्विस कितने की दी बेटा? 28। और इन्होंने मुझे पैसा दिया 30। जुलाई में मैंने इनको मान लो सर्विस कितने की दी? 15,000। और इन्होंने मुझे पैसे कितने दिए? 30,000। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर मुझे अप्रैल का पैसा मिलता तो कितना ही पैसा मिलता, लेकिन मुझे मिला कितना? क्या मुझे ये 20,000 रुपए 30th September को ही वन टाइम पेमेंट मिला कि नहीं मिला? बाकी और भी निकाल लूंगा, जो 60,000 आपने निकाला था वो बैलेंसिंग फिगर निकाला था ना, तो 60,000 में ये वाले 20,000 जो मुझे मिलने कब चाहिए थे? अप्रैल में। वो मुझे मिलेंगे कब? मुझे इंटरेस्ट का लॉस होगा कि नहीं होगा? सोचिए ना, अगर मुझे मेरी सैलरी 30th April को ही मिल जाती, कितने मिल जाती? पूरे पूरे 50,000। तो मेरा बैंक मुझे 30th September तक 50,000 ब्याज देता कि नहीं देता? लेकिन मेरे अकाउंट में तो पैसा जमा कितना हुआ था? उसने 30th September तक जो ब्याज मुझे दिया होगा बैंक ने, वो 30,000 ही दिया होगा ना। मुझे इंटरेस्ट का लॉस एम्प्लॉयर के कारण हुआ कि नहीं हुआ? तो जब मैं 30th September को 60,000 रुपये का जो प्रिंसिपल अमाउंट का हिसाब करूँगा, मुझे उनसे जो इंटरेस्ट का मुझे लॉस हुआ है वो भी डिमांड करना होगा कि नहीं करना होगा? दूसरी बात, मुझे 31 मई को अल्टीमेटली कितने पैसे मिलने चाहिए, लेकिन मुझे मिले कितने? कितना पैसा कम मिला? ये 15,000 मुझे कौन सी डेट को मिले? मिलना कब चाहिए था? 31 मई को। अप्रैल के बाद मई आएगा ना, मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 15,000 पे 4 महीने का इंटरेस्ट का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? मतलब मैं 30th September को जो प्रिंसिपल फिगर उनके साथ सेटल करूंगा, उसके साथ साथ मुझे क्या मिलना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज आ गया, अगर मुझे जून महीने के एंड में पैसे मिले होते तो कितने ही मिले होते? और मुझे मिला कितना है बेटा? तो मुझे 2,000 पे ज्यादा मिले कि नहीं मिले? तो अब तक तो मैं इनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, अब मुझे इंटरेस्ट इस 2,000 पे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुझे जुलाई मंथ के एंड में कितना पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे ना मिला कितना? 15,000 ज्यादा मिला कि नहीं मिला? तो अब तक तो मैं कम मिलने पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, अब मुझे ज्यादा पैसा मिल गया टाइम से पहले तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? टॉपिक का नाम दोबारा बोलिए, क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? अकाउंट करंट। देखिए बेटा, अकाउंट करंट एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट होता है। बोलिए क्या होता है? एक जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ जिस डेट को सेटलमेंट कर रही है, उस डेट से पहले में जो पास ट्रांजेक्शन हो गए, हम सेटलमेंट कौन सी डेट को करेंगे और इससे पहले के जो ट्रांजेक्शन हम लोग कर चुके हैं, उनका हिसाब किताब करने के लिए बनाया जाता है अकाउंट करंट। इस ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट की भी क्या होती है बेटे? कैलकुलेशन होती है। इसलिए इस अकाउंट करंट में बेसिकली होता एक लेजर अकाउंट ही है, लेकिन हर एक ट्रांजेक्शन पे हम लोग क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट। यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट, यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट, इस जगह से यहाँ तक, या तो इंटरेस्ट आपको देना होता है या आपको इंटरेस्ट लेना होता है। तो हर एक ट्रांजेक्शन पे जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी हो और एक फॉर्मेट बना के देना हो कि कितना पैसा इंटरेस्ट का आना है और कितना पैसा इंटरेस्ट का जाना है, तो उस स्टेटमेंट को अपन क्या नाम देते हैं? अकाउंट करंट। क्या नाम देते हैं इसे? अकाउंट करंट। लिखना शुरू करो मीनिंग में, एन अकाउंट करंट, एन अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट। एन अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट बिटवीन द पार्टीज। एन अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट बिटवीन द पार्टीज इन विच इंटरेस्ट इज अलाउड, इन विच इंटरेस्ट इज अलाउड और चार्ज्ड, इंटरेस्ट इज अलाउड और चार्ज्ड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम।
मेरे और एम्प्लॉयर के बीच में ट्रांजेक्शन कौन सी डेट से शुरू हुए थे? 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुए थे सपोज, और हम लोगों ने कब तक की ट्रांजेक्शन हम लोग करते चले गए? 30 सितंबर तक करते चले गए। कितना मैंने सर्विस दी, कितना मैंने सर्विस ली का पैसा कितना दिया, उसका हिसाब किताब नहीं किया, सिर्फ पैसा एक दूसरे को दिए और लिए जा रहे थे। सेटलमेंट कौन सी डेट को हो रहा है? देखो, फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम लिखा है कि नहीं लिखा है, ये किन दो पार्टी के बीच में बनता है? जिन पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और हर एक ट्रांजेक्शन पे अपन क्या इंक्लूड करते हैं? इंटरेस्ट। या तो आपको इंटरेस्ट देना होगा या फिर आपको इंटरेस्ट लेना होगा। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखें, एन अकाउंट करंट टेक्स द फॉर्म, एन अकाउंट करंट टेक्स द फॉर्म, एन अकाउंट करंट टेक्स द फॉर्म, FORM फॉर्म ऑफ अ लेजर अकाउंट, टेक्स द फॉर्म ऑफ अ लेजर अकाउंट। यानी कि हम अकाउंट करंट में बनाएंगे तो एक लेजर अकाउंट ही, लेकिन इस लेजर अकाउंट, अच्छा एक लेजर अकाउंट में कितने कॉलम्स होते हैं? मोस्टली डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे मान लो बिजनेसमैन एक्स ने बिजनेसमैन वाई को 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा है, कौन सी डेट को? अप्रैल 1, 2019। वाई ने कहा ये पैसे मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा। तो एक्स ने कहा वाई को कि यार ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि तुम मुझे 1 लाख रुपए पैसे एक बार में ही दो, तो मुझे किस्तों में ही पैसा दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम हमारे बीच में किए गए सभी ट्रांजेक्शन्स को एक बार आपस में सेटल कब तक कर लेंगे? 30 जून, अरे बोलो मुझे, 2019 तक सेटल कर लेंगे। भाई ने बोला मतलब? बोले मतलब ये है कि तुम मुझे गुड्स बेचो, मैं तुम्हें गुड्स बेचूं, हम एक दूसरे की बुक्स में रिकॉर्डिंग तो करते ही चले जाएंगे। लेकिन अब मैंने तुम्हें माल बेचा कितने का है? 1 लाख का। तुम अगर मुझे पार्ट में कितना पैसा दे दोगे? 80,000। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब हम लोग किस डेट को आपस में हिसाब किताब करेंगे? 30 जून। तो उस दिन के यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मंथ्स का पीरियड हो चुका है? तो जरूरी तो नहीं कि मैं तुम्हें माल एक बार ही बेचूंगा इन 3 महीनों में। हो सकता है मैंने तुम्हें बेचा और मैंने तुमसे खरीदा भी, मैंने तुम्हें पार्ट में कुछ पैसा दिया हो, तुमने मुझे पार्ट में कुछ पैसा दिया हो। तो इन 3 महीने के दौरान पैसे आने और जाने का तो काम चलता रहेगा, लेकिन हम सारा हिसाब किताब कर कब लेंगे? 30 जून 2019। अगर मैंने पैसे ज्यादा दे दिए होंगे तो तुम मुझे वो बैलेंसिंग फिगर लौटा देना, और अगर तुमने मुझे पैसे कम ज्यादा दिए होंगे तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? वो पैसा लौटा दूंगा। बात समझ में आ गई? बट मुझे कायदे से देखा जाए तो मेरे 1 लाख रुपए बेचे गए माल का पैसा इसी दिन मिल जाना चाहिए था। लेकिन हम इस 1 लाख का हिसाब करेंगे कब? तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। बात समझ में आ गई? भाई ने बोला नो प्रॉब्लम। भाई को प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि कभी वाई गुड्स किसको बेचेगा? तो वो भी तो एक्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे मान लीजिए वाई ने गुड्स बेचा है कितने रुपीज का, सपोज 20,000 का, कौन सी डेट को? 1 मई 2019। तो बेटा 20,000 पे वाई कब से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करेगा? कब तक? कितने मंथ्स का? 2 मंथ्स का। तो हर एक ट्रांजेक्शन पे क्या चार्ज हो जाएगा? इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक्स बन के बात करता हूँ, मैंने गुड्स किसको बेचा है, तो मेरी बुक्स में किसका लेजर अकाउंट बनेगा बेटे? वाई का। अब ध्यान से देखिए, अकाउंट करंट में एक कॉलम जो है एडिशनली मैं ऐड कर दूंगा। ये तो किसका वैल्यू हो गया? अमाउंट जो अपन 1 लाख रुपए का या 50,000 माल खरीदने बेचने का करेंगे। साथ ही साथ अपन ने एक कॉलम किसका ऐड कर दिया? इंटरेस्ट का। अब एक बार एक्स की बुक में वाई को गुड्स बेचने की एंट्री बताइए, एक बार एक्स की बुक में वाई को गुड्स बेचने की। वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया। कितना रुपए लिखा? ये पैसे आपको मिलने कब चाहिए थे और आपको मिलेंगे कब?
यूज कैलकुलेटर, 1 लाख का। सपोज ये दोनों पार्टी एक दूसरे पर 12% का इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो 1 लाख का 12% हो गया साल भर का 12,000 रुपीज। इधर देखिए कितने महीने बाद पैसा आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3,000 आ गया क्या। अब देखिए आपने वाई को डेबिट और कितने रुपए से कर दिया है, कुछ समझे मैंने क्या कहा। पहले माल बेचने की एंट्री बोली एक्स की बुक में, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर ये अकाउंट करंट नहीं बनाते तो एक्स और वाई के बीच में 30 जून को इस 1 लाख के अगेंस्ट जो सेटलमेंट होता, 1 लाख का ही होता ना, लेकिन एक्स वाई से कितना पैसा लेगा, 1,03,000। एम आई राइट। अब की बार गुड्स किसने बेची है, किसको बेची, वाई बाल बेचेगा तो हमारी यानी एक्स की बुक में गुड्स खरीदने की एंट्री होगी या बेचने की, खरीदने की। वी आर एक्स, हमारी बुक्स में गुड्स खरीदने की एंट्री बोलिए। टू वाई, आपने वाई को क्रेडिट किया ना बेटा, तो वाई के क्रेडिट में क्या लिख देंगे, वाई परचेज। अच्छा इसने गुड्स हमें कितने रुपए का बेचा, बात समझ में आ गई। ये पैसे हमें वाई को कौन सी डेट को ही दे देने चाहिए थे, फर्स्ट मई को। और हम उसे पैसा देंगे कब, कितने महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद। तो हम वाई को केवल 20,000 का पैसा ही देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे, पक्का ना, पक्का ना बेटे। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होगी या एक्सपेंस होगा, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट को क्या करेंगे, हमारे लिए डेबिट। तो हमारी बुक्स में एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, किसको देंगे हम ये इंटरेस्ट, पूरी एंट्री बोलिए, 2y, वाई क्रेडिट हो रहा है तो मैं इंटरेस्ट कॉलम में लिखूं या प्रिंसिपल फिगर में लिखूं, इंटरेस्ट कॉलम में कैलकुलेट कीजिए, 20,000 का 12% 2,400 रुपये हुआ बेटा, मल्टीप्लाई 2/12, 400 रुपये आ गया। हमने इंटरेस्ट कॉलम में कितना पैसा डाल दिया बेटा, 400 रुपये। ओके, अब अगर मैं वापस से वाई को बुक्स बेचूं तो मेरी बुक्स में एंट्री क्या होगी, मैं अगर बेच रहा हूँ मैं एक्स विदर वाई टू सेल्स, वापस से मैं क्या लगाऊंगा उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो जितने रुपए का गुड्स मैंने बेचा वो तो प्रिंसिपल फिगर में, और जिस डेट को बेचा से लेकर जिस दिन सेटलमेंट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट इस कॉलम में आ जाएगा। एम आई राइट। अगर वाई मुझे गुड्स बेचेगा तो जितने का बेचा वो अमाउंट कॉलम में आ जाएगा, और जिस डेट को उसने ट्रांजेक्शन किया है से लेकर कौन सी डेट तक का, 30 सेटलमेंट डेट तक का, इंटरेस्ट वो हमसे इधर चार्ज कर लेगा। एम आई क्लियर बेटा। अच्छा एक बार इंटरेस्ट कॉलम को अवॉइड कर दीजिए, 30 सितंबर तक मैंने तो कितने का गुड्स बेच रखा है और उसने मुझे कितने का बेच रखा है, तो नेट में मुझे वाई से पैसा लेना है कि मुझे वाई को पैसा देना है, मुझे लेना है ना, कितने लूंगा मैं पक्का। बाय बैलेंस शीटिंग प्रिंसिपल फिगर में तो कितना आएगा, लेकिन क्या मैं केवल वाई से 80,000 रुपये का ही पैसा लूंगा और किसका पैसा लूंगा, इंटरेस्ट का। मैं उसे मांगता कितना था और वो मुझसे कितना मांगता था, तो मैं उससे इंटरेस्ट का वैल्यू भी कितना लूंगा, 2,600। तो नेट में 30 सितंबर 2019 के दिन अगर मुझे वाई पैसा देगा सेटलमेंट करने के लिए, नेट में हमारे बीच में कोई हिसाब किताब पेंडिंग ना रहे, तो मुझे केवल 80,000 देगा या 82,600 देगा। सर ट्रांजेक्शन तो 80,000 की थे, 1 लाख माइनस 20 2,600 कहाँ से आ गया, इंटरेस्ट। अच्छा किसी लेजर अकाउंट में डेट पर्टिकुलर अमाउंट ही होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन अकाउंट करंट में कुछ एडिशनल कॉलम्स भी जुड़ जाते हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा होता है, इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई, एक बार डेफिनेशन दोबारा पढ़िए आराम से। एन अकाउंट करंट इज अ नाउ स्टॉप रनिंग स्टेटमेंट, मतलब कंटिन्यूइंग स्टेटमेंट है जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पर, डेली मतलब जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उसी बेसिस पर रिकॉर्ड हो जाता है। आगे चलिए, बिटवीन द पार्टीज, आगे इंटरेस्ट इज अलाउड और चार्ज, मैं इंटरेस्ट अलाउ कर रहा हूं और मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं। आगे लिख, आगे फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जितनी डेट को मैं सेटलमेंट कर लूंगा उस दिन तक का डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से लेकर क्या चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। आगे पढ़िए क्या लिखा है, आपको मैंने कोई और फॉर्मेट सिखाया क्या अकाउंट करंट का, सिंपल एक लेजर अकाउंट बोला, डेट पर्टिकुलर अमाउंट प्लस एन एडिशनल कॉलम, हालांकि यही कॉलम ऐड नहीं होता,
हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो पूरा फॉर्मेट बताऊंगा। एक मेन कॉलम और कौन सा ऐड हो जाता है बेटे? इंटरेस्ट का। बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? एकदम पेन छोड़ कर लिखें दोस्त। 1 लाख माइनस 20,000 बोले तो 80,000, 3,000 माइनस 400 बोले तो 26। हाँ जी, ये आगे लिखेंगे एक लाइन छोड़कर। एन अकाउंट करंट, एन अकाउंट करंट कैन बी प्रिपेयर्ड, एन अकाउंट करंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। एन अकाउंट करंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। नंबर वन, टू सेटल द ट्रांजेक्शंस, टू सेटल द ट्रांजेक्शंस बिटवीन द पार्टीज नंबर टू, फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन कंसाइनर CONSIGNOR कंसाइनर एंड कंसाइनी CONSIGNEE। बेटा पहले जो अपन ने लिखा वो तो आपको एक्स और वाई वाला समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट नंबर टू देखिए अपन ने क्या लिखा है, फॉर कंसाइनर एंड कंसाइनी। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसाइनमेंट होगा। कंसाइनमेंट के बारे में कभी आपने पढ़ा होगा BST वगैरह में, बिजनेस स्टडीज वगैरह, जॉइंट वेंचर के बारे में सुना होगा। क्या होता है, बिजनेस करने के अलग अलग मॉडल्स होते हैं। कंसाइनमेंट में क्या होता है, ओनर ऑफ द गुड्स, जैसे मैं राजस्थान में जयपुर जिले में काम कर रहा हूँ, मेरी जयपुर में फैक्ट्री है, तो मैं जयपुर के अपने जो एरिया के आसपास जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे अजमेर हो गया या इधर सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, इधर की तरफ अलवर की बात कर लूँ, तो ये क्या हो गया साहब, इन स्टेट एरिया को तो मैंने अच्छा कवर किया हुआ है। कस्टमर मेरे पास से आके चलकर क्या करता है, गुड्स खरीदने आ जाता है, तो मेरा प्रॉफिट का जो दायरा है वो इन्हीं आसपास डिस्ट्रिक्ट तक लिमिट के रह गया ना बेटा। अगर मुझे अपने बिजनेस को फर्दर, अपने प्रोडक्ट को आगे भी बेचने का काम करना हो, तो मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाकर क्या नहीं कर सकता, गुड्स को फर्दर नहीं बेच सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अलग अलग एरिया में कुछ एजेंट्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, जिनको मैं, जैसे मान लीजिए आप मुंबई रहते हैं, आप बेंगलोर रहते हो, आप चेन्नई, आप अहमदाबाद, आप सूरत, तो मैं जयपुर से आपको अपना माल क्या करूँगा, सेंड करूँगा, और वो माल आप मेरे बिहाफ पे बेचने का काम करेंगे। इस प्रोसेस को नाम देते हैं कंसाइनमेंट का। तो मैं तो हो गया कंसाइनर, आप मेरे कौन हो जाएंगे, कंसाइनर। तो हम आगे जब पढ़ेंगे कंसाइनमेंट तब समझ में आएगा। नंबर थ्री लिखें फटाफट, बिटवीन द बैंकर एंड इन हिज कस्टमर, बिटवीन द बैंकर एंड इन हिज कस्टमर, फुल स्टॉप। आज इतना ही लिखेंगे, कल आगे डिस्कस करेंगे। बेटा कई बार आपने देखा होगा कि बैंक आपको क्वार्टरली आपके अमाउंट पे इंटरेस्ट देता है, तो वो इंटरेस्ट सिर्फ आपको देता है या आपसे इंटरेस्ट चार्ज भी करता है? चार्ज कैसे करता है, आपने अप्रैल को 1 लाख बैंक में जमा करा है, ब्याज आपको मिलेगा 30 जून को, अप्रैल, मई और जून क्वार्टरली मिलता है। क्या आपने 1 लाख रुपए जो अप्रैल 1 को डिपॉजिट किए, क्या उसे पैसा कभी भी निकालोगे नहीं क्या? आपने 20,000 पे निकाल लिए, फिर आपने 25,000 जमा करा दी, 15 दिन बाद आपको फिर से कहीं 50,000 पे आ गए, आपने फिर 50,000 जमा करवा दी, फिर आपने 25,000 पे निकाल लिए। तो अप्रैल से लेकर 30 जून तक आते आते आपने कई बार तो पैसा जमा किया होगा और कई बार आपने पैसा निकाला होगा, लेकिन 30 जून को आपके अकाउंट में क्या आ गया, इंटरेस्ट। पॉइंट ये है कि जो इंटरेस्ट की वैल्यू आई है वो बैंक ने यूं ही अज्यूम थोड़ी कर लिया होगा कि ऐसे ही इंटरेस्ट दे दिया, नहीं, इंटरेस्ट की क्या हुई होगी, कैलकुलेशन। वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी किस सिस्टम से फाइंड की जा सकती है, अकाउंट करंट वाले सिस्टम। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ध्यान रखेंगे, होमवर्क आपको डेली बेसिस पे करना है, ठीक है बेटा।
चले मिलते हैं। हाँ बोल बोल, जल्दी बोल।